الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाज़रीन प्रोग्राम फ़हमुल कुरान के सिलसिले में आज हम 14वें पारे का मुताला करेंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम हम सब की रहनुमाई के लिए आया है। हमें अपनी ज़िंदगी में उसको इमाम का दर्जा देना चाहिए, रहनुमा का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम उसके मुताबिक उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का ये कठिन सफ़र बेहतरीन तरीके से तय कर सकें। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे कोई वसीयत कीजिए, कोई अच्छी बात कहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे वही कुछ कहा है जो मैंने एक मर्तबा तुमसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह से तक्वा यानी अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वो हर नेकी की जड़ है। जो शख्स अल्लाह से डरेगा वो किसी का बुरा नहीं करेगा, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और कुरान मजीद की तिलावत का इल्तिजाम करो, क्योंकि ये चीज आसमानों में तुम्हारी खुशबू और जमीन में तुम्हारे तस्करों का सबब है। यानी इंसान जब अल्लाह की किताब पढ़ता है तो वो एक पाकीजा इंसान बनने की कोशिश करता है, और ये चीज उसके लिए खैर और भलाई और बरकत का जरिया होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिन पर वो अपनी इस किताब के जरिए रहमत नाजिल फरमाता है। तो आइए देखते हैं, सूरत अल हिजर से आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबि व कुरआनिन मुबीन, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरु लौ कानु मुस्लिमीन, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की, रोशन कुरान की। बईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज इस्लाम कबूल करने से इनकार किया है पछता पछता कर कहेंगे काश हम भी मुसलमान होते। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मजे करें और भुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को एक इम्तिहान के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने कायनात में अपनी पहचान के लिए मुख्तलिफ निशानियां पैदा की, जिनका जिक्र आज हम कसरत के साथ सूरत अल हिजर और अन्नहल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा और इंसान को अच्छे बुरे का फर्क बता दिया। जिन लोगों ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया उन्होंने अल्लाह की तौफीक से पैगंबरों का रास्ता इख्तियार कर लिया, सर तस्लीम खम कर दिया। लेकिन कुछ लोग शैतान के बहकावे में आकर अना का शिकार होकर उनकी तालीमात से मुनहरिफ हो गए और उन्होंने सीधे रास्ते की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब वो लोग पछताएंगे, ख्वाह वो दुनिया में हो, खा वो मरने के बाद कब्र में हो, खा वो आखरत में, जब उन्हें इस बात की बहुत शिद्दत से रिग्रेट होगी, बहुत अफसोस और नदामत और हसरत होगी कि हमने पैगंबरों की बात क्यों नहीं मानी, हमने अल्लाह ताला की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं बसर की। लेकिन आज इंसान को क्या चीज इससे रोकती है? दुनिया की लज्जतें, खाना पीना, ऐशो इशरत, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का ख्याल। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जब ये लोग जो आज इनकार कर रहे हैं ये तमन्ना करेंगे काश हम बात मान लेते, काश हम भी इताअत कर लेते। क्योंकि इम्तिहान की ये मुद्दत बहुत लिमिटेड है, कब तक? जब तक इंसान की जिंदगी है। लेकिन ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसान की इस जिंदगी यानी दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह की नाफरमानी का वबाल उसके सामने आ जाता है और इंसान को उस वक्त शदीद नदामत होती कि काश मैं इस रस्ते पर ना चलता और अल्लाह की फरमा बरदारी का तरीका इख्तियार करता। इसी तरह जब इंसान मरने लगता है तो फरिश्ते उसी किस्म के आते हैं जिस तरह के इंसान के आमाल होते हैं, फिर कब्र में भी वही हाल होता है जो इंसान डिजर्व करता है, और फिर आखिरत में
हमेशा हमेशा की अल्लाह ताला की नाराजगी मोल लेनी होती है। और उस वक्त जब वो देखेगा इंसान के दूसरे लोग जिन्होंने अल्लाह की इताअत की, फरमाबरदारी की, वो आज मजे में हैं, जन्नत में जा रहे हैं, अल्लाह ताला की रजामंदी उनको हासिल है, तो उस वक्त वो कहेगा काश मैं भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता। फिर फरमाया वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया उसके लिए एक खास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी, यानी उसका भी एक मुकर्रर वक्त था। जैसे हर इंसान की जिंदगी का एक वक्त होता है, कौमों की जिंदगी का भी एक मुकर्रर लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वो मा यस्ताखिरून, ना कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है और ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं ऐ वो शख्स जिस पर जिक्र नाजिल हुआ है तो यकीनन दीवाना है। अब ये तो उनकी अपनी दीवानगी थी जो ये बात या ये इल्जाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर खुद नहीं जिक्र नाजिल कर रहे थे, और जिक्र से मुराद कुरान मजीद। कुरान मजीद एक हिकमत की किताब है और इसमें इंसान की खैर और भलाई की बातें हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो लोग जो अरबी जबान को भी समझते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीजा सीरत को भी जो नबुव्वत से पहले उनके आंखों के सामने थी, इसके बावजूद सब कुछ जानते समझते बूझते वो आपको इल्जाम देते कि जिस पर यह जिक्र नाजिल हो रहा है वो दीवाना हो गया है, हालांकि आप उनको सीधे रस्ते की तरफ बुला रहे थे, ये दीवानगी नहीं थी। फिर क्या कभी कहते अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं लेकर आ जाता। फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं जवाब में आपके दिफा में, हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, यानी एक मकसद के साथ आते हैं, फरिश्ते ऐसे ही घूमते फिरते नहीं। और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती, यानी फिर वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा अगर फरिश्ते आ गए, यानी या तो मौत के लिए आते हैं या फिर अजाब लेके आते हैं कौमों पर। रहा ये जिक्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, इसको हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं, यानी ये किसी ने घड़ा नहीं, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने खुद नहीं लिखा, ये हमने उतारा है और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। ये जिक्र खत्म नहीं हो जाएगा, ये अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। तुम्हारे मिटाए से ये मिट नहीं सकेगा, तुम्हारे दबाने से ये दब नहीं सकेगा, और तुम्हें इसमें किसी किस्म की तब्दीली का भी मौका नहीं दिया जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेजे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरिमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह की मानन गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते, यानी मुजरिमीन या मुनकिरीन जब इस जिक्र को सुनते हैं और इनकार करने की नीयत से सुनते हैं तो वो उनके दिलों में सलाई की तरह चुभ जाता है, यानी ना तो वो उसको कबूल कर पाते हैं और ना ही वो उसका इनकार कर पाते हैं। कदीम जमाने से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है, अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ते भी और चढ़ जाते तब भी वो ये कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, यानी जिन्होंने नहीं मानना वो ऊपर जाके भी नहीं मानेंगे, वो क्या कहेंगे बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है, यानी ना कोई हिस्सी मौजजा मानते हैं और ना ही कोई अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आयत और या कोई दलील उसको मानते हैं, क्योंकि वो मानना चाहते ही नहीं। ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए मुजयन किया, यानी हर खित्ते में कोई ना कोई रोशन सितारा सयारा है और इस तरह कायनात का हर हिस्सा जगमगा रहा है। और इसके अलावा उन सितारों को हमने हर शैतान मर्दूद से उनको महफूज कर दिया, यानी इनको मार भगाने का जरिया भी बनाया, कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ सुन गुन ले ले, यानी वही नाजिल होते वक्त अल्लाह सुबहान तआला ने हर तरफ पैराबंदी कर दी थी, वरना उससे पहले ये आसमान पर जाया करते थे मुख्तलिफ शयातीन वगैरह और जाके ये जिन्नात मुख्तलिफ बातें सुनते थे फरिश्तों की और आके फिर काहिनों को बताते। तो अब क्या होता, अब अगर कोई सुनने की कोशिश करता فأتبعه شهاب مبين, तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता और उसको जला डालता।
यानी वही के अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट या किसी किस्म की कोई भी कबल अज वक्त इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जाती थी। अल्लाह ताला ने इंतहाई महफूज तरीके से जिब्रील अमीन के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक तक उसको पहुंचाया पूरी हिफाजत के साथ। इससे भी पता चलता है कि कुरान पाक का कितना एहतमाम अल्लाह सुबहानहू ताला ने किया कि बंदों की हिदायत के लिए प्योर खालिस और बेहतरीन चीज पहुंचे जो वाकई उनको फायदा दे। वल अर्द मददनाहा व अल्कैना फीहा रवासी, हमने जमीन को फैलाया उसमें पहाड़ जमाए, यानी देखो कायनात की निशानियों को, उसमें हर तरह की नबातात ठीक ठीक नपीतुली मकदार के साथ उगाई और इसमें मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूकात के लिए भी जिनके राज़िक तुम नहीं हो। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करते हैं, यानी अल्लाह सुबहानहू ताला सारे खजानों का मालिक है लेकिन इंसानों की मर्जी के मुताबिक वो सब चीजें दी क्यों नहीं जाती, क्योंकि हर चीज का एक अंदाजा एक मकदार है और अल्लाह ताला ने इतदाल पर अदल पर एक मीजान के मुताबिक इस कायनात को पैदा किया और जमीन में भी एक मीजान रख दी है। वह अरसलना रियाहल वाक़ह, बराबर हवाओं को हम ही भेजते हैं यानी विंड पोलिनेशन के लिए अल्लाह सुबहानहू ताला खास मौसमों में हवाओं को चलाते हैं जो बीजों को एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। फिर आसमान से पानी बरसाते हैं उनको उगाने के लिए और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं, यानी वो सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी सैराबी का बायस होता है। इस दौलत के खजानादार तुम नहीं हो। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, यानी इंसान अगर चाहे कि उसको समेट के अपने लिए रख ले और उसमें किसी किस्म की कमी ना हो तो इंसान ऐसा कर नहीं सकता। ये सारे खजाने अल्लाह सुबहानहू ताला ने कहीं ग्लेशियर्स की शक्ल में और कहीं जमीन के अंदर स्ट्रीम्स की शक्ल में जमीन की तहों में इंसान के लिए पानी स्टोर कर रखा है। इंसान का इसमें कुछ भी हाथ नहीं, उसकी इसमें कोई कोशिश नहीं और ना ही वो उसका मालिक है। वो इन्ना लनहनु नुही व नुमीतु व नहनु लवारिसून, जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं, यानी जिस तरह बाकी चीजों के हम मालिक हैं सारे खजानों के, इसी तरह इंसानों की जिंदगी के मालिक भी हम हैं। कोई अपनी मर्जी से ना आया है और ना अपनी मर्जी से यहाँ हमेशा के लिए रहेगा, उसको एक वक्त मुकर्रर के साथ जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा तो उसे यहाँ से जाना होगा। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और अलीम भी। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया, यानी इंसान की तखलीक के मराहल का जिक्र है, और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे, यानी जिन इंसान से पहले पैदा हुए। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, यानी इंसान, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। अब ये अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी रूह से, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान के अंदर जो रूह अल्लाह की रूह का हिस्सा है कुछ, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी इंसान को इज्जत देने के लिए। فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने उसको सजदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना जब इंसान सही सलामत बन के तैयार हो जाए। तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, कि उसने सजदा करने वालों के साथ से इनकार कर दिया। अब देखिए कि इंसान की अहमियत यहां बताई जा रही है कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने किस तरह उसको तख्लीक किया, किस तरह उसके अंदर रूह फूंकी और इस रूह की वजह से उसको अकल समझ शऊर और ये तमाम नेमतें अता की और फिर फरिश्तों से सजदा करवाया। और इंसान है कि अकल पा के दुनिया में जब आता है तो अपने रब ही को पहचानने से इनकार कर देता है या उसी को नहीं जान पाता, किस कदर बड़ी महरूमी है। और ये क्यों होता है? क्योंकि शैतान उसका दुश्मन जो है, पहले दिन से जिसने ये करार बांधा था कि मैं इंसान को लाजमी तौर पर गुमराह करके रहूंगा,
तो उसने इंसान को सजदा नहीं किया, वो जिद में आ गया, मुकाबले पे आ गया। रब ने पूछा, ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया। उसने कहा, मेरा ये काम नहीं कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। रब ने फरमाया, अच्छा तू यहां से निकल जा क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है, यानी क़यामत तक तू मलून रहेगा अल्लाह की रहमत से दूर क्योंकि तूने अल्लाह की बात नहीं मानी। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे दे, यानी मुझे जिंदगी दे दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे, यानी उस दिन तक मैं अपना काम कर सकूं। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है, अल्लाह ने यह वक्त किसी को भी नहीं बताया। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया। अब अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह इल्जाम दे रहा है। अब यह देखिए, एक तरफ कहता है मेरा रब, जानता है रब को और गुफ्तगू भी कर रहा है और दूसरी तरफ नाफरमानी भी है। तो असल चीज जो मखलूक से अल्लाह ताला को मतलूब है वो इताअत है, फरमाबरदारी है, वरना महज अल्लाह ताला की जात को मान लेना या ये कहना कि हाँ अल्लाह मौजूद है तो ये काफी नहीं, क्योंकि ये तो इबलीस भी मानता था लेकिन इबलीस ने अल्लाह की बात नहीं मानी। तो कोई भी इंसान जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो इबलीस के रास्ते पे फिर चलता है। कहने लगा, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा, यानी इनसे मैं इंतकाम लूंगा। हालांकि अल्लाह सुबहान तआला ने उसको बहकाया नहीं था, उसको एक हुक्म पर अमल करने के लिए कहा था, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो, इखलास वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुसलमान का दिल खयानत नहीं करता। नंबर एक, अमल का अल्लाह के लिए खालिस होना। नंबर दो, मुसलमानों के आइम्मा के लिए खैरखाही। और नंबर तीन, उनकी जमात के साथ रहना, यानी तफरका बाजी या फिरका वारिय से परहेज करना। क्योंकि इंसान बड़ी से बड़ी नेकी भी कर ले लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए ना हो तो उस नेकी का कोई वजन ना होगा, वो राख बना के उड़ा दी जाएगी। तो जब उसका कोई वजन ही नहीं है और तो इंसान के अंदर उसके लिए उस नेकी के बाद क्या खैर और खूबी पैदा हो सकती। दुनिया में भी वही अमल जमता है जिसके अंदर इखलास होता है, नहीं जो अल्लाह के लिए किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने आके कहा कि आपने इतने साल, यानी तकरीबन 40 साल लगे थे कि इतने साल लगाकर आपने किताब लिखी मुअत्ता, और हम देखते हैं कि बहुत और लोग भी मुअत्ता लिख रहे हैं, यानी आपकी देखा देखी। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मा काना लिल्लाह बकिया, जो काम अल्लाह के लिए होगा वो बाकी रह जाएगा, यानी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी नकल कर रहा है, कौन और क्या कर रहा है। तो असल बात यही है और हम देखते हैं तारीख इस पर गवाह है कि इमाम मालिक की मुअत्ता तो हर जगह पढ़ी जाती है लेकिन बाकी किस किस की मुअत्ता है आम लोगों को मालूम भी नहीं, नाम भी नहीं पता। तो ये एक हकीकत है कि इंसान अगर कोई काम सिर्फ किसी के मुकाबले पे करता है या दिखावे के लिए करता है या किसी पर अपनी बड़ाई जताने के लिए करता है तो उसमें बरकत नहीं होती, उसमें जमाव नहीं होता, उससे कोई खैर नहीं फूटती। देखिए, अगर एक खोखला दाना है उसे आप जमीन में डालेंगे उससे कौन सा पौधा निकलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो सही सलामत है, सालिम है, बगैर किसी जरर के, तो उससे बहुत बड़ा दरख्त भी पैदा होगा जिससे आगे बहुत फल फूल निकलेंगे। तो यही हाल इखलास का है, जिस बंदे के अंदर इखलास होता है वो इंतहाई मजबूत किरदार का मालिक होता है, शैतान उसको कॉन्कर नहीं कर सकता, वो शैतान के लिए बहुत मुश्किल चीज होता है। قال هذا صراط علي مستقيم, अल्लाह ताला ने फरमाया ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, यानी ठीक है तुम अपने काम करो लेकिन ये सीधा रास्ता भी मौजूद है जिस पर मेरे मुखलिस बंदे चलेंगे। इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन तबाक मिन الغاوین, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं, जो वाकई मेरे लिए सारे काम करते हैं, उन पर तेरा बस ना चलेगा। जैसे हजरत उमर के बारे में आता है कि शैतान उस रास्ते से भाग जाता था जिस तरफ उमर जाते थे, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे, तेरे पीछे आएंगे, और उन सब के लिए जहन्नम की वईद है।
क्या है जहन्नम? लहा सबातु अबवाब, उसके सात दरवाजे हैं, सात दरवाजे, लिकुल्ली बाब मिनहुम जुज़ुम मक्सूम, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। यानी अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन किस दरवाजे से किस लेवल पर जहन्नम के पहुंचे, क्योंकि जहन्नम के तबकात भी, सबसे निचला तबका जो है वो मुनाफिकीन के लिए, तो ऑब्वियसली फिर वो एक खास दरवाजे से वहां पर फेंके जाएंगे कि नीचे जा पहुंचे। या अल्लाह आलम, अल्लाह ही हकीकत जानता है, लेकिन सात तबकात का भी जिक्र आता है और सात दरवाजों का भी आता है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ उनमें सलामती के साथ, बेखौफ खतर, किसी फिक्र की जरूरत नहीं, अमन के साथ जाओ। वनजाना माफी सुदूरहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी उसे हम निकाल लेंगे। यानी जन्नत में जाने से पहले नहरुल हयात पे उनको रोक कर उनके दिल धो दिए जाएंगे और वो एक दिल वालों की तरह सब अंदर जाएंगे। वो आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे, यानी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठकर आपस में बहुत रिलैक्स्ड वे में गुजरी हुई बातें याद करेंगे और खुश होंगे। उन्हें ना वहां किसी मशक्कत से पाला पड़ेगा, ना वहां से निकाले जाएंगे, कोई डर ही नहीं, खौफ ही नहीं, कोई काम भी नहीं, आराम ही आराम। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूं, मगर इसके साथ मेरा अजाब भी नहायत दर्दनाक अजाब है। यानी मैं रहम भी करता हूं और सजा भी देता हूं। ये रहम किसके लिए, ये सजा किसके लिए? जाहिर है जैसे जिसके अमल, वो उसी जगह पहुंचेगा और वही पाएगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। वो नब्बेहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, और इन्हें जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ, यानी जो फरिश्ते आए थे आपके पास खुशखबरी देने के लिए। इस दखलू अलैहि फकालू सलामा, जब वो आप पे दाखिल हुए तो बोले सलाम हो तुम पर, यानी फरिश्तों ने आकर उनको सलाम किया। और यही एक बेहतरीन तरीका है कि एक मोमिन जब दूसरे से मिले तो सलामती की दुआ दे उसको। قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ, उसने कहा हमें तुमसे डर लगता है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे। قَالُوا لَا تَوْجَلْ, फरिश्ते बोले मत डरो, إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, हम तुम्हें एक बड़े अकलमंद लड़के की, एक इल्म वाले बच्चे की खुशखबरी देंगे। यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी थी, और साथ ही कहा वो साहिब इल्म होगा, यानी सिर्फ बेटा नहीं बल्कि इल्म वाला बेटा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की खुशखबरी देते हो, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी और उनकी वाइफ 90 ईयर्स की थी। आलू बशरनाक बिल हक, उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। फला तकुम मिनल क़ानितीन, तुम मायूस होने वालों में से ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वमन यक़नत मिन रहमत रब्बिही इल्लद्दालून, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। मायूसी कुफर है, मायूसी शैतान का एक हथियार है कि इंसान को ऐसे डिप्रेशन में मुबतला कर दे, उससे जिंदगी की खुशी छीन ले, उसके अंदर से सारी ताकत ले जाए, होप ले जाए, ताकि इंसान कुछ करने के काबिल ना रहे और वो गम ही में घुटता और अपने आप को खाता रहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने सालों तक भी पुरुमीद थे, क्योंकि खासतौर पर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हजरत सारा की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे। तो बहरहाल फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ भेजे हुए, ऐ फरिश्तो, वो मुहिम क्या है जिस पर तुम तशरीफ लाए हो, यानी किस तरह आना हुआ, क्या सिर्फ खुशखबरी या कुछ और भी? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين, वो बोले हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, यानी कौम लूत की तरफ। إلا آل لوط, सिर्फ लूत के घर वाले उससे मुस्तस्ना है।
लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सदोम की जिस बस्ती में मुतय्यन किया था वो इंतहा दर्जे के बिगड़े हुए लोग थे। कई साल तक लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, सिवाय उनकी अपनी दो बेटियों के कोई भी मुसलमान नहीं हुआ, हत्ता कि उनकी अपनी बीवी ने भी उनका साथ नहीं दिया। वो उस कौम से नहीं थे, बाहर से गए थे उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, लेकिन कोई मान के नहीं दिया। मगर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिर दम तक कोशिश करते रहे। और वो कौम एक तरफ सख्त अखलाकी बुराई में मुब्तला थी कि वो हम जिन्स परस्त थे, दूसरी तरफ वो चोर और डाकू किस्म के लोग थे, राह गुजर लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां करते, उनको मारते पीटते, उनका सामान लूट लेते, किसी मुसाफिर को खाना तक ना देते, और हर किस्म की खराबियां उनके अंदर थी। लेकिन फिर भी उनको मोहलत दी गई कि शायद संभल जाए, लेकिन अब उनकी मोहलत खत्म हो रही थी। तो जैसे इंसानों की मौत आती है, ऐसे ही कौमों की भी मौत आ जाती, तब उनका फॉल था। सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। कहते हैं कि इब्तिदा में तो वो उनके साथ निकली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मना किया था कि जब कौम पे अजाब है तो पीछे मुड़ के कोई ना देखे। तो लूत अलैहिस्सलाम और उनकी दो बेटियों ने तो नहीं देखा, लेकिन बीवी की चूंकि दिलचस्पियां, हमदर्दियां कौम वालों के साथ थी, तो जो ही एक चीख की आवाज आई तो उन्होंने फौरन पीछे पलट के देखा और कहने लगी, वाह कौमा हो, हाय मेरी कौम। तो उस पर भी आके एक पत्थर लगा और वो भी वहीं ढेर हो गई, साथ ना जा सकी। फिर जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं, यानी यहाँ कैसे आ गए हैं, क्योंकि उस बस्ती में तो किसी का आना भी बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे हैं। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो, यानी दूसरों को आगे कर लो, बेटियों को आगे कर लो, खुद पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कहते शाम की तरफ जाने का हुक्म मिला था और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी, नहीं इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, हर चीज समेत तबाह हो जाएंगे। अब सुबह होने तक क्या मंजर था वहां, इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर चढ़ आए। खुश किस बात पे थे कि कुछ मर्द आए हैं वहां, यानी फरिश्ते जो थे मर्दों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो। लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, तेरी जान की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हो रहे थे, यानी कोई नसीहत सुनने को तैयार नहीं थे, कोई बात उनको नहीं समझ आ रही थी, वो दीवाने हो रहे थे कि किसी तरह उनसे, उन आने वाले मेहमानों से अपनी नाजायज ख्वाहिश पूरी कर लें। فأخذتهم الصيحة مشرقين, आखिर पौ फटते ही, सुबह होते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया, यानी कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पर के साथ ठोंका दिया और वो नीचे से उठा के ऊपर तक उसको ले जाया गया और फिर वहां से दोबारा नीचे को पटकाया गया और उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। ना सिर्फ यह कि बस्ती को उलट कर दिया गया बल्कि उसके साथ हर शख्स पर एक एक पत्थर भी पड़ा। इस वाक्य में बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं, और वो इलाका जहां ये वाक्य पेश आया था गुजरगाह आम पर वाक्य है, यानी अरबों के ये काफले, तजारती काफले ये सब वहां से गुजरते हैं, उनको मालूम है कि उस इलाके की वीरानी का आलम क्या है। उसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। वो इन काना अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और बेशक ऐका वाले जालिम लोग थे। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे, इस कौम का नाम बनी मिद्यान था और ऐका जो है ये तबूक का कदीम नाम था।
तो कहते हैं कि इसका लफ्जी माना होता है घना जंगल। तो जिस इलाके में रहते थे बहुत सरसब्ज शादाब था। फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया। व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, और बेशक वो भी एक खुले रास्ते पर वाक़े हैं। यानी दोनों बस्तियां उजड़े हुए खुले रास्ते पर वाक़े हैं, सब देखते हैं वहां के मंजर। वलकद कद्दब अस्हाबुल हिजर المرسلين, हिजर के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके हैं, उन्होंने भी रसूलों को जुटलाया। हमने अपनी आयात उनके पास भेजी। हिजर जो है ये कौम समूद का मरकजी शहर था, सेंट्रल प्लेस थी वहां की। अपनी निशानियां उनको दिखाई मगर वो सबको नजरअंदाज ही करते रहे, इग्नोर कर दिया उन्होंने हर निशानी को। और वो कैसी कौम थी, वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमइन थे कि हमें कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, महफूज किलों में बंद हैं हम। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते ही आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। यानी जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो भी उनका कल्चर था, जो भी उनकी खुशहाली थी, कोई चीज उन्हें अल्लाह के अजाब से ना बचा सकी। इब्ने उमर कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हिजर से गुजरे तो आपने फरमाया, इन लोगों की बस्तियों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, जब गुजरना हो तो रोते हुए गुजरो, ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो उन पर आया था। फिर आपने सर मुबारक पर चादर डाली और बड़ी तेजी के साथ चलने लगे, यहां तक कि उस वादी से निकल आए। वो मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने जमीन और आसमान को और उनकी सब मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर तख्लीक नहीं किया। यानी अल्लाह ने ये दुनिया नाफरमानों के लिए नहीं बनाई कि वो यहां हमेशा मनमौजी करते रहें। ये सब कुछ एक मकसद के लिए बना है, और वो मकसद क्या है कि इंसानों को वो सहूलियात फराहम करना कि जिनको पाकर वो अपने रब की इबादत करें, जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया, ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी करें और फिर शुक्र अदा करें और अपने रब के आगे झुकें। और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है, यानी फिर हमेशा के लिए यहां नहीं रहे, वापस दुनिया से जाएंगे और फिर उनका फैसला होगा कि कौन करके क्या आया है, अल्लाह की सारी नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों की बेहूदियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लें। इन्हीं जो नाफरमान लोग हैं, इनसे बहस करने, झगड़ने और इनके साथ ज्यादा बात की जरूरत नहीं है। इनके जवाब में, इनकी नादानियों के और इनकी खराबियों के जवाब में आप दरगुजर से काम लें। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, हमने तुमको सात ऐसी आयात दे रखी हैं जो बार बार दोहराए जाने के लायक हैं, बार बार दोहराई जाती। यानी आप सिर्फ ये ना देखिए कि कौन लोग आपकी नाफरमानी कर रहे हैं और आपको झुटला रहे हैं और आपका इनकार कर रहे हैं और आपको तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, बल्कि आप ये देखिए कि आपको अल्लाह सुबहान तआला ने किस नेमत से नवाजा है। और वो खासतौर पर सात दोहराई जाने वाली आयात सूरत अल-फातिहा का जिक्र है, वल कुरान अज़ीम, और कुरान अज़ीम का, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, बाकी जितनी भी चीजें वो अल्लाह की मखलूक है। तो दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, सोना चांदी, हर हर माल, हर हर किस्म का माल दौलत, ये सारी चीजें जो हैं इस किताब के मुकाबले में हेच है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत यूनुस में, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये कुरान हर उस चीज से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। लोग अपने लिए जो कुछ भी समेट रहे हैं, उन सबसे ज्यादा कीमती दौलत ये कुरान मजीद है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। ये बराह रास्त इंसान को अल्लाह से जोड़ता है और बाकी चीजें अपने खालिक से गाफिल करती हैं। दुनिया की दौलत जितनी इंसान के पास आती जाती है, उतनी उसके लिए फितना बन जाती है और वो अल्लाह से दूर हो जाता है और अल्लाह की नाफरमानियां करने लगता है। इल्ला ये कि वाकई तकवा हो इंसान के अंदर, तो वो उस दौलत को फिर सिर्फ अपनी आयश इशरत पर नहीं, अल्लाह की इबादत और अल्लाह के बंदों की भलाई में खर्च करता है, अल्लाह के दीन की खिदमत में खर्च करता है। तो यहां पर ये फरमाया कि आप इन सारे दुखों के मुकाबले में सिर्फ ये याद रखें कि अल्लाह ने आपको कुरान जैसी दौलत दे दी। तो इसी तरह हम सबको भी सोचना चाहिए कि जिंदगी में अगर कुछ महरूमियां हैं,
कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो और वो नहीं है, तो भी उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं जिस पर गम किया जाए या जिसकी बिना पर इंसान अपने आप को अजियत देता रहे और दुख में और गम में और तकलीफ में मुबतला रहे और हसरतें उसके दिल में हो कि मेरे पास फलां चीज क्यों नहीं, अगर उसके पास कुरान मजीद की दौलत है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दौलत। और जहां कहीं इंसान को किसी महरूमी का एहसास हो तो फौरन सोच ले कि मेरे पास है क्या, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि मेरे पास है, एक दौलत है मेरे पास, तो वो हमेशा शुक्रगुजार रहता है। और यही चीज इंसान को हौसला देती कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, वरना दुनिया की दौलत तो जितनी भी हो उसका हाल यह है कि वो हदीस में आता है कि बंदे को अगर एक सोने की वादी मिल जाए तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, उसकी ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए अगर वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और हमारी मर्जी के मुताबिक वो मतलूबा दुनिया नहीं मिलती तो उस पर गम करने की जरूरत नहीं, इंसान अल्लाह की किताब की दौलत हासिल करने की कोशिश करे। ला तमुद्दन्ना अयनैका इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजम मिन्हुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िद़ जनाहक लिल्मुमिनीन। तुम उस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, यानी अगर कभी ये ख्याल भी आए कि तुम दुनिया के मामले में इनसे पीछे हो तो सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ जो दौलत आपको मिली है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। और ना इनके हाल पर अपना दिल कुढ़ाओ कि ये मानते क्यों नहीं, इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको, यानी कुरान के बाद वो लोग कीमती हैं जो ईमान वाले हैं या जिनकी जिंदगी में एक मकसद है, जो इस किताब से मोहब्बत रखते हैं, जो इस पर ईमान रखते हैं। तो आप उनके लिए बहैसियत लीडर के आप उनके लिए नरमी इख्तियार कीजिए, उन पर शफकत कीजिए, उनके साथ खैरख्वाही बरतिए। और यही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखते हैं कि वाकई आप अहले ईमान के लिए बहुत ही नरम दिल थे। बाकी लोग तो अपनी जगह, हत्ता के अगर कोई एक मामूली औरत भी जो ना समझ हो वो भी आपसे कोई बात करती तो उसकी बात भी बहुत तवज्जो से सुनते थे, जैसे कि एक रिवायत में आता है। अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक औरत जिसकी अकल में कुछ फतूर था वो अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक काम है, यानी मुझे आपसे एक काम है। तो आपने फरमाया, ए उम्मे फलां, तुम जिस गली में चाहती हो ठहर जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आपने एक रास्ते में उस औरत से बात की यहां तक कि वो अपने काम से फारिग हो गई, यानी जो उसने कहना था उसने कह दिया। और ना मानने वालों को कह दो कि मैं तो साफ साफ तंबीह करने वाला हूं। ये उसी तरह की तंबीह है जैसी हमने उन तफरका परदाजों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इशारा है तौरात की तरफ कि अहले किताब ने उसके बाज हिस्से को माना और बाज का इनकार कर दिया। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर उन सबसे पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन किसी शख्स के कदम उस वक्त तक हिल ना सकेंगे, हट ना सकेंगे, यहां तक कि उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल होगा कि उसने किस चीज में उसे सर्फ किया, अपने हासिल करदा इल्म पर अमल कितना किया, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया और अपने जिस्म को किस चीज में घुलाया। तो आज हमें भी इस आयत से ये सबक लेना चाहिए कि कुरान को पूरे तौर पर मानना चाहिए, नहीं कि जो मर्जी की बातें वो तो ले लें और जो नहीं उनको छोड़ दें। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे बुलंद आवाज से कह दीजिए और शिर्क करने वालों की जरा परवाह न कीजिए। तुम्हारी तरफ से हम उन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं, यानी उनका मामला हम पे छोड़ दीजिए, जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार दे देते हैं, किसी और को भी माबूद समझते हैं, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है, यानी जो आपके खिलाफ बिला वजह के झूठे इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं तो उस पर परेशान ना हो। उसका इलाज क्या है? फसब्बिह बिहम्द रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कीजिए। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहिए यहां तक के
वो घड़ी आ जाए जिसका आना यकीनी है, यानी मौत का वक्त। सूरत नहल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुबहानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। आ गया अल्लाह का फैसला, अब उसके लिए जल्दी ना मचाओ। पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। किस फैसले की बात है यहाँ? हिजरत की तरफ इशारा है। और पैगंबर जब एक जगह से, एक शहर से हिजरत कर जाता है तो फिर पीछे वालों की शामत आ जाती है। अहले मक्का बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब का मुतालबा करते थे। क्या आप कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, तुम पे अजाब आएगा, तो अच्छा ले आओ, धमकी देते थे, ले आओ वो अजाब। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अब फैसला हो चुका है, हिजरत के बाद जल्दी तुम्हारी खबर ली जाएगी, अब जल्दी ना करो। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है, यानी नबुव्वत को, वही को, इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो, खबरदार कर दो, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मुझी से डरो। खलक समावाति वल अर्द बिल हक, उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया। ताला अम्मा युश्रिकून, वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खलक अल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीमुन मुबीन, उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते ही देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान का आगाज एक बिल्कुल बारीक छोटी चीज से किया कि जो नेकेड आय को नजर भी नहीं आती, लेकिन वही इंसान जब अल्लाह की खास रहमत और उसके दिए हुए रिस्क पर पल कर एक मुकम्मल इंसान बना और फिर दुनिया में आकर जब बोलने के, सोचने समझने के काबिल हुआ, तो हैरत की बात है कि उसने जबान अल्लाह के खिलाफ खोली, अपने खालिक के खिलाफ, जिसने उसको पैदा किया, जिसने रिस्क दिया, जिसने उसकी सारी जरूरियात पूरी की, वो उसी के बारे में बातें बनाने लगा और उसके साथ औरों को खुदा बनाने लगा। अब यहां से अल्लाह सुबहान तआला इंसान के लिए जो उसने नेमतें पैदा की हैं, खासतौर पर उनका जिक्र फरमाते हैं। वल अनआम खलकहा, और मवेशी जानवरों को उसने पैदा किया, किस लिए? लकुम फीहा दिफ़ुन व मुनाफ़िअ व मिन्हा ताकुलून, इनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है, खुराक भी है, और इस तरह के तरह तरह के दूसरे फायदे भी। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है, खूबसूरती है, ब्यूटीफुल सीन, जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो, यानी इकट्ठे जब वो निकलते हैं और ग्रासी लैंड्स पर वो इकट्ठे चर रहे होते हैं तो देखने वाला मंजर होता है, और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो, जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है और वो जानवर पेट भर के वापस अपने घरों को लौट रहे होते हैं और खुशी खुशी वो आ रहे होते हैं और अपने मालिक की बात मान रहे होते हैं, तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। ये अफसोस ये कि अब इंसानों ने ये सीन देखने छोड़ दिए, सिर्फ मसनूई जिंदगी के अंदर ही गुम होकर रह गए। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जाफशानी के बगैर पहुंच नहीं सकते, खासतौर पर हिली एरियाज में। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं, यानी पैदा कर चुका है या आइंदा पैदा करेगा। और अगर सवारियों के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखिए कि उस जमाने में तो सवारी के लिए घोड़े गधे ही थे, लेकिन आज इंसान ने जो तरक्की की और अल्लाह की बनाई हुई चीजों को इस तरह मोल्ड किया, मतलब लोहा अल्लाह ने बनाया और उससे उसने जहाज बनाए, रेलगाड़ियां बनाई और बहुत सी तरह तरह की गाड़ियां, कारें, फरमाया कि ऐसी और भी चीजें आएंगी कि जिनको तुम जानते भी नहीं। और हर दौर का इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता। वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिन्हा जाइर, और अल्लाह ही के जिम्मा है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाईन, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून, वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो
और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून, इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी ये चीजें सिर्फ खाने के लिए नहीं है बल्कि इसलिए भी है कि इनसे अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा लगाया जाए और अल्लाह की पहचान भी पैदा हो। और दिन रात हम इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं मगर हम सिर्फ उनको खाने का ही शौक रखते हैं, उससे कुछ और नहीं हासिल करते। अब आप देखिए कि अगर एक चारा जानवर भी खाता है और कोई गौर व फिक्र नहीं करता, और हम इंसान भी कुछ चीजें खा रहे हैं और कोई और गौर व फिक्र किसी किस्म का नहीं कर रहे, तो फिर हमने और उनमें क्या फर्क रह गया। وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख़र हैं, यानी एक डिसिप्लिन में है, तुम्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बिरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, यानी जमीन की जो पैदावार है उसमें रंग बहुत है, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को मुसख़र कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, मछलियां वगैरह सी फूड, और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो, पर्ल्स वगैरह। तुम देखते हो कि कश्ती समुंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। अब देखिए कि पानी में एक सुई डाले तो वो गिर जाती है, नीचे बैठ जाती जाके, और किस तरह इतने ह्यूज कश्तियां और जहाज जो हैं वो पानी की सतह पर तैर रहे होते हैं। ये अल्लाह की किस कदर रहमत है बंदों के लिए कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है और इंसान की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रिस्क के नए नए वसाइल को तलाश करने का मौका भी। वह अलकाफिल अर्दी रवासिया अंतमीद बिकुम व अनहारम व सुबुल लअल्लकुम तहतदून, उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढुलक ना जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए, यानी पहाड़ों के बीच बीच में से इंसानों के निकलने के रास्ते, ताकि तुम राह पाओ। उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी, यानी सारी जमीन बिल्कुल एक जैसी फ्लैट नहीं है बल्कि हर खित्ते के कुछ लैंडमार्क्स हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं कि जिससे इंसान पहचान जाता है कि मैं कौन से इलाके में हूं। वह अलामात और अलामात वह बिन नजमी हम यहतदून, और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं, यानी दिन के वक्त और निशानियां नजर आती हैं और रात के वक्त गुप्त अंधेरे में सितारों से इंसान अपनी डायरेक्शंस मालूम करता है, खुसूसन समुंदर में जब हो। अफ़मन यख्लुकु कमन ला यख्लुक अफला तज़क्करून, फिर क्या वो जो पैदा करता है और जो कुछ भी पैदा नहीं करते, यानी उनके जो माबूद सो कॉल्ड, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अफला तज़क्करून, क्या तुम होश में नहीं आते, तुम समझते नहीं हो? वह इन तउद्दू नेअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। ये तो सिर्फ मोटी मोटी चंद चीजें जो तुम हर रोज देखते हो वो तुम्हें दिखाई जा रही हैं। एक तो ना इंसान देखता है और फिर एक उसको दिखाया जाता है कि देखो इन चीजों पर गौर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते। सहाबा कहते हैं कि अगर एक परिंदा भी उड़ता तो आप उसमें से भी कोई ना कोई सबक हमें निकाल के बताते, हर चीज में गौर व फिक्र करते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, ऐलान करते हो। और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी भी चीज की खालिक नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया बल्कि खुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं ना कि जिंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब उठाया जाएगा। यानी इससे पता चलता है कि यहां उन माबूदों की तरदीद की जा रही है कि जो कभी जिंदा थे फिर मर गए तो लोगों ने उनसे अपनी हाजतें पेश करना शुरू कर दी उनके आगे, और उनसे दुआएं करने लगे, हत्ता के बाद लोग उनके आगे सजदे भी करने लगे, उनकी कब्रों पर सजदे करने लगे। तो फरमाया कि उन्होंने क्या वादा किया,
वो किस चीज के मालिक हैं? तुम उनके आगे क्यों हाथ फैलाते हो? उनसे क्यों बातें करते हो? उनसे क्यों मांगते हो? उनको तो अपना भी मुस्तकबिल नहीं पता, तुम्हारा क्या बनाएंगे? इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है, एक जिसने पैदा किया, जो रिस्क देता, जो जिंदगी देता है, जो मौत देता है, जिसके पास जाकर अपनी सारी जिंदगी के आमाल का हिसाब देना है। क्योंकि इंसान के कदम मैदान हशर से टल ना सकेंगे जब तक कि वो चंद सवालों के जवाब न दे दे, जिनकी तफसीलात अहादीस में आई हैं। فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घुमंड में पड़ गए। अल्लाह यकीनन इन सब के करतूत जानता है, छुपे हुए भी और खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुबतला हूं, यानी अल्लाह ताला को तकबर करने वाले भी पसंद नहीं। तकबर दो तरह का होता है, एक होता है जो बंदों के मुकाबले में किया जाता है और एक वो होता है जो अल्लाह के सामने किया जाता है। बंदों के सामने तो इंसान माल दौलत और दुनियावी चीजों के साथ तकबर करता है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला के सामने उसका क्या माना है? यानी अल्लाह की बात ना मानकर, यानी अल्लाह ताला का जो भी इल्म है या जो भी हिकमत है इंसान की, उसके मुकाबले में कितनी का अकल है, क्या समझ है, क्या इल्म है। अब अगर कोई शख्स अल्लाह के हुक्म को एक तरफ छोड़ के अपनी अकल की बातें शुरू कर दे या इंसानों की बातें कोट करे तो इसकी क्या हकीकत है? कुछ भी नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। अब एक तरफ अगर किसी को कुरान की आयत बताई जा रही हो, दूसरी तरफ वो कहे नहीं मेरे ख्याल में तो यूं होना चाहिए, अभी आपका ख्याल क्या हकीकत रखता है? अल्लाह सुभान व तआला ने ये कुरान अपने इल्म के साथ उतारा है और हमारा इल्म क्या है? हम तो अपने माजी को भी भूल चुके हैं और हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या होना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अपना नहीं पता तो सारी दुनिया के अहवाल का कहां पता? तो जिसके जिसका इल्म ही महदूद है उसकी बात क्या माने रखती? तो जब इंसान अल्लाह के हुक्म का इनकार करता है, बतरुल हक करता है, तो यह चीज उसके लिए नुकसान का बायस है। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद ही नहीं जो उसके मुकाबले में अकड़े या अपनी बातें करें या अपनी रविश पर जमे रहें। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज नाजिल की है तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं, पुराने किस्से कहानियां। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क्यामत के रोज अपने बोझ भी पूरे उठाए और साथ साथ कुछ उन लोगों के बेटे जिन्हें जहालत की बिना पर ये गुमराह कर रहे हैं। यहां ये बात याद रहे कि इंसान को जिस चीज का इल्म ना हो वो दूसरे को ना बताए, क्योंकि अगर वो शख्स उस जहालत की बिना पर बताई हुई बात पर चलेगा तो वो जो भटकेगा उसकी जिम्मेदारी भी बताने वाले पे पड़ेगी। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी मक्कारियां कर चुके हैं, तो देख लो कि अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी, यानी उनको तबाह बर्बाद कर दिया और उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आ रही और ऐसे रुख से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक न था। वो अपने आप को महफूज समझते थे लेकिन जब अजाब आया तो कहीं भाग कर भी ना जा सके। फिर क्यामत के दिन अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करेगा और उनसे कहेगा बताओ अब कहां है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम झगड़े किया करते थे। قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين, जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुस्वाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए, हाँ उन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं, यानी यकायक मौत का फरिश्ता उनको आके पकड़ लेता है, तो वो सरकशी छोड़कर फौरन डगे डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे, यानी उस वक्त बिल्कुल मिस्कीन बन जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। मलाइका जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत यह है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। तो यहां से एक बहुत अहम बात पता चलती है, वो ये कि इंसान दुनिया में अपनी आजादी को एंजॉय कर रहा है, अपनी मर्जी से खाता है, पीता है, सोता है, जागता है,
बोलने की भी आज़ादी है, जिसको जो जी चाहे कह देता है, अल्लाह की इबादत करे या ना करे। तो खूब अपनी आज़ादी इंजॉय कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है आज़ादी। इंसान इसी हाल में घूम फिर रहा होता है कि अचानक मौत के फरिश्ते आ जाते हैं, और वो ऐसे ही जैसे कोई पुलिसमैन हो, रंगे हाथों पकड़ ले किसी मुजरिम को। तो अल्लाह की नाफरमानियां करते हुए ऐसे लोगों को अचानक आके ऐसे गिरफ्तार करते हैं कि उनकी जान निकाल के ही छोड़ते हैं, और उसके लिए वो आगे हाथ बढ़ाते हैं और जान उनकी बच रही होती है और इधर उधर दौड़ रही होती है, लेकिन वो हर चीज निकाल के ले जाते हैं जिसका अल्लाह हुक्म देता है, और फिर उसके साथ उनसे बातचीत भी कर रहे होते हैं कि ये तुम सब कर क्यों रहे थे ऐसे। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे थे, उनसे झूठ बोलना शुरू कर देते, जैसे किसी मुजरिम को कोई पकड़े और पूछे कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे थे, और वो साफ मुकर जाए और इनकार करे कहे मैं तो नहीं कर रहा था। तो जो लोग दुनिया में झूठ बोलते रहते हैं, ये झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मरते वक्त और मरने के बाद भी झूठ से मदद लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त उनकी आजादी खत्म हो चुकी होगी। وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم, दूसरी तरफ जब तकवा वालों से पूछा जाता है कि वो क्या चीज है जो तुम्हारे रब ने नाजिल की, قالوا خيرا, तो जवाब देते हैं बेहतरीन चीज उतरी है, यानी अल्लाह ने कुरान की शक्ल में जो उतारा है बहुत ही अच्छा है। इस तरह नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है, यानी ऐसे लोगों के लिए जो ये जवाब दें कि अल्लाह ने जो उतारा है सच उतारा है, अच्छा है, हमारी भलाई है उसमें, तो उनको अल्लाह ताला सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में भी भलाई अता करता है, उनके लिए खैर व भलाई नेकी के मजीद मौके उनको देता है। वला दारुल आखिरति खैर, और अलबत्ता आखिरत का घर तो बेहतर है ही। वला नअमा दारुल मुत्तकीन, और अलबत्ता कितना अच्छा घर है मुत्तकी लोगों का, अल्लाह से डरने वालों का। जन्नात अदनी यदखुलूनहा, हमेशा की जन्नतें जिसमें वो दाखिल होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और सब कुछ वहां ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। यह है जन्नत की तारीफ। जो लोग इस दुनिया में अपने ऊपर रोक लगा लेते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ जिंदगी बसर करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करते हैं, कल जब अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह सुबहान व तआला उनको हमेशा के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक खुशी के मुताबिक रहने का मौका जन्नत की सूरत में अता करेंगे। वहां हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक होगी। लहुम फीहा मा यशाउन, अब देखिए कि दुनिया में इंसान कितनी भी कोशिश करे, कितना बड़े से बड़ा इंसान भी क्यों ना हो, हर चीज अपनी मर्जी नहीं कर सकता। हत्ता कि अगर उसकी बहुत ज्यादा भी अथॉरिटी हो तो फिर क्या होता है, मसलन फूड के मामले में रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, हेल्थ के मामले में और बहुत सी चीजों के मामले में तरह तरह की रुकावटें आती है जिंदगी में, इंसान अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले, यानी इंसान कितनी भी ख्वाहिशें पूरी करे वो पूरी नहीं हो सकती दुनिया में, वो सिर्फ आखिरत में ही होगी। कज़ालिक यज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इसी तरह अल्लाह मुत्तकी लोगों को जजा देता है। الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين, ये वो लोग हैं कि जब फरिश्ते उनकी जान निकालने आते हैं तकवा वालों की, يقولون السلام عليكم, तो السلام عليكم कह के उनकी जान लेते हैं, इन्हें उन पर सलामती की दुआ भेजते हैं और फिर खुशखबरी देते हैं। ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ बवजह उसके जो तुम अमल करते थे, यानी जन्नत तुम्हारे आमाल का बदला है। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु औ यातिय अम्रु रब्बिक, अब ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा अब और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादर हो जाए। इस तरह की डिटाई इनसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, तो जो कुछ उनके साथ हुआ वो उन पर अल्लाह का जुल्म न था बल्कि उनका अपना जुल्म था जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। उनके करतूतों की खराबियां आखिरकार उन्हें दामनगीर हो गईं और वही चीज उन पर मुसल्लत हो गई जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी अल्लाह का अजाब। वकाल अल्लज़ीना अशरकू,